हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आप सब देख रहे हैं मेरे जीवन का संघर्ष। मेरे जीवन के संघर्ष की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पिछले दो एपिसोड जो बनाए हैं, पार्ट वन और पार्ट टू, उनमें से मैंने बताया है मेरे बचपन की कहानी और दूसरे में मैंने बताया है मेरे ससुराल जाने का थोड़ा सा भाग। इसके आगे की कहानी मैं आज शुरू करने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो खास करके महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक वीडियो बनने वाला है। अगर आप मेरी कहानी को पूरा सुन लेंगे, मेरे पूरे पार्ट देख लेंगे, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलेगा, अपने जीवन में संघर्ष करने की क्षमता मिलेगी। और अगर आप किसी भी हालात में टूट रहे हो या अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों के लिए मजबूत बनेंगे, आपके इरादे मजबूत बनेंगे अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे। मैं भी एक आम महिला थी जो कि बचपन से नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी। मैं भी ऐसे ही सबकी तरह पढ़ाई लिखाई की, मेरी भी शादी हुई, मैं भी ससुराल गई और मेरे साथ कुछ सिचुएशन ऐसी रही जो कि मुझे उन हालातों में बहुत ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ा। मैं मानती हूँ कि मैंने वो संघर्ष किया है। हो सकता है कि इन परिस्थितियों में और कोई होता तो टूट जाता या तो बिखर जाता या कुछ भी हो सकता था, पर मैंने उन सारे सिचुएशन को संभाला है और संभालते हुए आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो इसके पीछे की कहानी मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बता रही हूँ। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो आप उन वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि उनको देखने के बाद ये मैं पार्ट थ्री बना रही हूँ, तो उनको देखने के बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी। में पिछले वीडियो में अभी तक मैंने बताया है कि मेरा बचपन कैसे गुजरा और मेरे ससुराल जाने के बाद क्या हुआ, उसके आगे की कहानी मैं आज शुरू करने वाली हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह थी कि जब मैं मेरे ससुराल पहुँची तो मुझे मेरे ससुराल वाले मायके भेजने में बहुत परेशानी कर रहे थे। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, तो आप उन वीडियो को देख के समझ सकेंगे। उसके आगे की बात मैं बताती हूँ कि मेरे शादी होने के बाद मेरा ससुराल में कुछ सालों तक ऐसे ही मेरा जीवन चलता रहा। सब हालातों से गुजरते हुए मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी। वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि मेरा बच्चा हुआ, उसके बाद भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और मैं पढ़ाई करती रही। 12th तक पढ़ाई की मैंने, तो मेरा पहला बच्चा 16 साल की उम्र में हुआ। उसके बाद मैंने थोड़ा गैप रखा और साढ़े तीन साल का अंतर में मेरा दूसरा बच्चा हुआ। इस तरह से मेरी उम्र करीबन 20 साल की हो चुकी थी। तब तक मैं अपने ससुराल में ही थी, पर उस बीच मुझे पैसों की बहुत तंगी आती थी। अगर कोई सामान या कुछ भी खरीदना हो, मंगवाना हो, तो मुझे मेरे मायके वालों पे डिपेंड रहना पड़ता था। जैसे कि कभी मुझे कोई कपड़े लेना है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी, तो मेरे ससुराल वालों को इतना तक नहीं था कि यानी कि वो मेरे लिए कुछ करे। तो जब वो लोग नहीं करते थे तो मैं, अब मेरे मायके में थोड़ी इनकम का साधन था तो मैं हमेशा अपने मायके से ही हर चीज़ मंगवा लिया करती थी। पर मैंने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा, यानी कि ऐसे हालातों में कब तक चलेगा। मेरे हस्बैंड कुछ सोचते नहीं थे, कुछ करना नहीं चाहते थे। घर में आटा चक्की और किराने की दुकान मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसको मैं ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बताऊँगी। यानी कि इनकम का कोई ज़्यादा साधन नहीं था। मेरे हस्बैंड की पढ़ाई भी कोई ज़्यादा खास नहीं थी, नॉलेज एजुकेशन जो था वो सब ऐसे ही था। अब मेरी शादी तो हो ही गई ऐसे घर में, अब मुझे गुजारा करना था। इतनी समझदार मैं भी थी नहीं, पर फिर भी किसी तरह गुजारा कर रही थी। रोज़ आए दिन लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें होती रहती थी। सास भी ऐसी थी, यानी सास होती हैं घर में, उनका भी फर्ज होता है कुछ, पर मेरी सास तो पूरी सास ही थी। यानी कि बोलते हैं ना कि सास माँ का रूप होती है, सास को माँ समझना चाहिए, बहू को बेटी समझना चाहिए। तो ऐसा हमारे घर में कुछ नहीं था। बहू को बहू समझा जा रहा था, सास तो सास ही थी। अगर मैं कोई काम नहीं करती तो मेरी सास बाहर सभी को जाके बताती कि मेरी बहू इतनी देर तक सो रही है, अभी तक ऐसा काम नहीं किया, खाना नहीं बनाया, ये है वो है। ऐसे ही लड़ाई झगड़े होते, सास भी से लड़ाई झगड़ा होता, पति से भी झगड़ा होता। तो ऐसा करके यानी कि माहौल बहुत ही बुरा चल रहा था मेरे ससुराल का। हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे हमारे घर में। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक हादसा और हुआ मेरे साथ, वो मैं मेन हादसा बताती हूँ। वैसे तो बातें बहुत सारी होती हैं, बाकी मैं मेन मेन चीज़ें बता रही हूँ जो कि
इंसान की जिंदगी में यानी कि जब परेशानी की हालत आती है उस वक्त लड़कियां अपने ससुराल में कैसे सिचुएशन से गुजरती है वो सारी परिस्थितियां मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि पहले क्या था कि जैसे आजकल मोबाइल फोन और टीवी और ये सब सारी चीजें बहुत ज्यादा, उस समय टीवी तो थी, उस समय इंटरनेट का जमाना तो था नहीं, तो यानी कि जिंदगी इतनी फास्ट नहीं थी जैसे आज के जमाने में है, तो हमें कुछ भी समझ में तो आता नहीं था, जितना देखते थे वही जानते थे। ज़्यादातर गांव में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा ये वो सब होता रहता है। तो मेरे घर में एक दिन ऐसे ही बहुत जम के लड़ाई हुई, मेरे हस्बैंड ने मुझे हाथ चलाया, मारा भी, तो मैंने खाना नहीं खाया और क्या किया कि मैं रात तक ऐसे ही लेटी रही बिना खाए। फिर मुझे रात को जगाया गया, बोले खाना खा लो, मैंने बोला मुझे खाना नहीं खाना। अब मुझे यानी कि जीत तो थी ही क्योंकि कभी मार लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं था मेरे साथ, तो मुझे ना इन चीज़ों की आदत नहीं थी, तो मैं ना जिद पकड़ के बैठी थी कि मैं अब नहीं खाना खाऊंगी। फिर मेरी सास बोली थोड़ा सा काम क्या बोल दिया, इसके लिए झगड़ा हो गया। यानी कि उनका काम था जैसे कि गाय हुए थी तो उपले बनाओ, ये करो वो करो, तो मैंने बोला मुझसे नहीं होता, मुझे नहीं आता, तो उन्होंने समझाने की बजाय मुझसे झगड़ा करने लगे हाथ पाई, तो मुझे जिद आ गई। मैंने बोला 15.5 साल की उम्र थी, ज़्यादा तो उम्र थी नहीं, ज़्यादा समझदार भी नहीं थी मैं, तो उस वक्त मुझे जिद आ गई। मैंने बोला रात को कि चलो तुम्हारे कंडे थापती हूँ, चलो ले चलो मुझे उस जगह पे। तो वो लोगों ने यानी कि जैसा मैंने बोला वैसा, चलो हाँ चलो ठीक है, ऐसा कह दिया। अब मैं गई, अब मुझे जीत आई, मुझे गुस्सा थी, खाना तो खाया नहीं था और मारा भी था मुझे, तो मुझे गुस्सा लगी थी, यानी कि मुझे बहुत तेज अंदर से गुस्सा आ रही थी कि यानी कि ये क्या हो रहा मेरे साथ, कैसा हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ, ना तो मैं मेरे मम्मी पापा से कुछ बता पा रही थी, ना कुछ भी, यानी कि मैं किसी से अपनी जो परिस्थितियाँ थी वो शेयर भी नहीं करती थी। मैं सोचती थी कि चलो किस तरह से क्या, यानी कि कुछ समझ ही नहीं आता था कि एक लड़की के साथ अगर अत्याचार हो, अन्याय हो, उस वक्त उसे कैसे झेले, क्या करे। तो ये परिस्थितियाँ जो मेरे साथ हुई ना, बहुत सारे लोगों के साथ होती है, पर देखो कि उस समय मेरा दिमाग क्या था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। और मेरे घर के पास एक कुआं था, और कुआं यानी कि बारिश का मौसम था, शायद सितंबर या नवंबर कुछ ऐसा महीना चल रहा था, तो बारिश के बाद ठंडी का मौसम आया था और कुआं बिल्कुल उफान पे थी, बहुत भरी हुई कुआं थी। तो जो मैंने क्या किया कि मैं गई चलो भरते, और मैंने बाल्टी लिया और कुएं में डालने का सोचा, तो मेरा ना दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उस वक्त क्या सोचा मैंने, कुछ भी मुझे उस पल का याद नहीं कि एग्जैक्ट याद नहीं है, बाकी है मैं वो बता रही हूँ जो सिचुएशन उस वक्त हुई और वो कैसे हुआ ये मुझे याद नहीं। मेरा दिमाग एकदम से यानी कि क्या हुआ उस पल कि मैंने बिल्कुल कुएं में जो पार्ट होती है ना, वो बीच से पैर रखने के लिए कुएं पे डला रहता है, उस पे मैं पैर रख के यानी पानी भरने जा रही थी, तो मैंने पानी नहीं भरा, बाल्टी पटक दी वहीं पे और कुएं की पार्ट को पकड़ के और सीधे कुएं में झूल गई। यानी कि उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मरना क्या, आत्महत्या क्या, मैं क्या कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। बस मेरे साथ ये सिचुएशन हुई और मैंने ये कदम उठा दिया। आप सोचिए कि हर लड़की ऐसा कदम उठाती है, मैंने भी वो गलती करी, यानी कि ये गलती ही समझ लो। आज मुझे समझ में आता है कि ये चीजें नहीं करना चाहिए, उस सिचुएशन को किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि आजकल हमारा कानून औरतों का बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत साथ दे रहा है, और मुझे ये चीजें अपने मम्मी पापा से भी शेयर करनी चाहिए थी, बताना चाहिए थी। बाकी मैंने उस वक्त क्या सोचा, क्या दिमाग में आया कि मैंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा और मैं उस कुएं में कूद गई। पीछे पीछे मेरे हस्बैंड दौड़ते हुए आए, वो पकड़ने के लिए दौड़े तो वो भी साथ में कुएं में चले गए। फिर किसी तरह यानी कि कुआं इतना उफान पे था, भरा हुआ था, मैं नीचे गई और नीचे से कुएं से ऊपर आ गई। ऊपर आई, मुझे उस पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऑटोमेटिक मेरा पैर कुएं के यानी कि दूसरे छोर पे टिक गया जाके, और मैं ऊपर ही रह गई। फिर किसी तरह लोगों ने मुझे बाहर निकाला। यानी ये सारी समस्या, सोचिए कि अगर मैं उस पल मर जाती या कुछ हो जाता तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं होते, आज मैं जो जिंदगी जी रही हूँ ये मेरी जीवन में नहीं आता। तो ये सारी सिचुएशन यानी कि परिस्थितियाँ तो बहुत बिगड़ती हैं इंसान की लाइफ में। यानी कि ससुराल में अगर ऐसा प्रताड़ना हो, कोई मारे पीटे,
तो ऐसे में कैसे एक लड़की रह सकती है, ये भी सोचने की बात है। बाकी उस पल जो मेरे माइंड में समझ नहीं आया वो मैं आज आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि अगर कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए तो कभी भी आत्महत्या के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है जीवन में, आत्महत्या करना। जिंदगी मिली है तो मरना भी है, ये निश्चित है, पर अपने आप क्यों अपने आप को खत्म करना। ये जिंदगी मिली है हमें जीने के लिए, तो उसे हमें जीना चाहिए और हर हाल में जीना चाहिए। अगर हमारे साथ परिस्थितियां विपरीत है, अगर हमें कोई परेशान कर रहा है, तो उससे भी लड़ने का तरीका है इस संसार में, और वो तरीका अपनाना चाहिए, ना कि आत्महत्या करना चाहिए। ये चीजें आज मैं समझ पा रही हूँ और आपको समझा पा रही हूँ। आज के समय में इंटरनेट है और आप तक मेरा वीडियो ये पहुंच रहा है, और आप अगर ऐसी सिचुएशन में है और आपके साथ कोई ऐसी स्थिति है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा या मारपीट कुछ भी हो रहा हो, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मरना ही इसका हल होता है, तो ये बहुत बड़ी गलती है, इसे मत करिएगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं और उससे इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें अपनाइए आप, पर कभी भी मरने के बारे में मत सोचिए। पर मैंने तो वो गलती करी, आप गलती करी पर बच गई, हो सकता है कि आप तक ये मैसेज देने के लिए मैं बच गई हूँ, इसलिए आज मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो मरना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर मैं मायके गई, 10-15 दिन तक मैं अपने मायके में रही, पर किसी को मैंने नहीं बताया कि मैंने कुएं में गिरने की कोशिश की थी या कुएं में कूदने की कोशिश की थी। तो फिर कहीं से मेरे मम्मी पापा को पता चला कि ऐसा हुआ था, तो ये सारी चीजें मैंने छुपाई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब सिचुएशन बहुत खराब हो जाए ना, तो अपने घर वालों से कोई बात छुपाना भी नहीं चाहिए, और अपने घर वालों से अपने होते हैं, बोलते हैं ना कि मायके और ससुराल वाले, तो जब ससुराल वाले अपने नहीं होते तो फिर मायके वालों का सहारा लेना पड़ता है। वैसे तो कहा यही जाता है कि एक लड़की को अपने ससुराल को ही अपना मायके जैसा समझना चाहिए, अपने सास ससुर या ननद को भाई बहन और सास को माँ के समान समझना चाहिए, पर कोई कोई ससुराल ऐसा होता है, देखो बड़े होते हैं ना जो, तो सबसे पहले उनको चाहिए कि अपना सपोर्ट करें, अपने यानी कि अपना बड़प्पन दिखाए। अगर एक सास अपनी बहू को बेटी की तरह मानेगी तो बहू भी यानी कि उसके दिल में भी ये रहेगा कि मेरी सास मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रही है, तो वो भी अपने आप समझ जाएगी कि हाँ मेरी माँ जैसा व्यवहार कर रही, मेरी माँ जैसी है। पर जब आप शुरू से ही बहू के साथ सास जैसा बर्ताव करने लगोगे तो उसे तो समझने का मौका ही नहीं मिलेगा कि ससुराल और मायके में फर्क क्या होता है। तो ये कहने की बात होती है कि बहू नहीं समझती, पहले बड़ों को ही पहल करनी पड़ती है, तो इसलिए बड़े ही समझदार बनना चाहिए। और जब भी आपके घर में यानी कि आपकी बहू आती है या आप ससुराल जाते हैं, तो सबसे पहले मैं उन सास से बोलना चाहूँगी यहाँ पे जो कि जिनकी बहुएं हैं, तो थोड़ा बड़प्पन आप दिखाइए और अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करिए। यही समझिए कि आपकी बेटी आपकी बहू की जगह खड़ी है। अगर आपकी बेटी के साथ उसके ससुराल में ऐसा हो तो आपको कैसा फील होगा, तो ये चीजें समझने की बात होती है। अगर आप दिल से इस चीज को फील करेंगे तो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार कर पाएंगे। पर मेरे घर में ऐसा नहीं होता था, मेरे हस्बैंड मुझे बिना गलती के मारते भी थे, और मेरी सास मेरा सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती थी, वो अपने लड़के का सपोर्ट करती थी और हमेशा यही बोलती थी कि अच्छा किया, ये है वो है, यानी कि मैं तो बचपना था, मेरे अंदर में इतनी समझदार थी नहीं। पर मेरे घर में जो वहाँ ससुराल वाले थे ना, वो पूरी तरह ससुराल वाले ही थे। अब ये मैं कैसे यानी कि कैसे हैंडल करती है मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बिल्कुल कोई भी अपना नहीं लगता था मेरे ससुराल में। मैं चाह के भी उनके साथ अपनों का व्यवहार नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो मुझे अपना समझते ही नहीं थे। ऐसा समझते थे दूसरे घर से आई हुई है और दूसरे की लड़की है, मेरी बहू है, ऐसा बर्ताव करते थे। ऐसा करते करते ना बहुत साल गुजर गए मेरा। उसके बाद 7 साल की उम्र में फिर मेरा लड़का हुआ, उसके बाद मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद मेरा दूसरा बच्चा हुआ 20 साल की उम्र में। 20 साल तक यानी कि मैं ऐसे ही चलता रहा, मेरे घर का माहौल ऐसे ही, लड़ाई झगड़ा यानी कि ऐसे ही, मायके जाना, मायके से ससुराल आना, कोई सामान कोई पैसे की ज़रूरत हो तो मायके वालों से मांग लेना या कुछ भी करना, ऐसे ऐसे चलता रहा। यानी कि एक अच्छे घर की लड़की अगर एक बहुत ही लो फैमिली में पहुँच जाती है, यानी कि मीडियम फैमिली भी वो समझ लीजिए, पर वो अगर ऐसे घर में पहुंच जाए तो कैसा फील होगा। मैं मानती हूँ कि ऐसा बोला जाता है कि जिस घर में जाओ उस घर को अपना समझो, और जैसा माहौल हो, जैसी सिचुएशन हो, उस हिसाब से अपने आप को ढालो, ये भी सही बात है। पर इंसान यानी कि ससुराल वाले इंसान की तरह हो तब ना इंसान यानी कि लड़की जो है वो अपने आप को उस हिसाब से उस माहौल में ढाल पाएगी। बाकी जब ससुराल वाले जानवरों जैसा बर्ताव करने लगे बहू के साथ, तो फिर बहू कैसे उनके साथ यानी कि इंसानियत से पेश आ सकती है। तो यहाँ कुछ गलतियाँ यानी कि होती है ससुराल वालों की भी, पर
हमेशा यही बोला जाता है कि बहू ऐसी थी जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ, बहू ने ऐसा किया, बहू ने वैसा किया, तो सारा इल्जाम बहू के ऊपर आ जाता है। ये नहीं समझते कि वो दूसरे घर से आई हुई है, अभी उसकी कितनी समझ है, उसे समझाना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है। तो ये सारी चीजें अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और हो सकता है कि जो मेरे साथ हो मेरे घर में हुआ वो आपके घर में नहीं होना चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जो मेरी परिस्थितियां थी ना वो अब मेरे बाद किसी और के घर में नहीं होना चाहिए जिस तक ये मेरा वीडियो पहुंचा है। थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। मेरे घर में क्या था कि कोई काम करना नहीं चाहता था, सबको आराम करना पसंद था। जितने में खर्चा चल रहा है, नमक रोटी में चल रहा है, तो उसमें चलाओ। कोई आगे की सोच नहीं, कोई समझ नहीं कि आगे क्या होगा, भविष्य कैसा चलेगा। ऐसा करते करते मेरा बच्चा यानी कि बड़ा वाला 3-4 साल का हो गया था और छोटा वाला 2-2.5 साल का हो रहा था। ऐसा करते करते मैं परेशान हो गई, तो मैंने मायके से क्या किया कि मैंने मशीन मंगवाई सिलाई करने के लिए। मैंने सोचा कि अब यहाँ कुछ और तो कर नहीं सकते, तो मैं सिलाई करके ही अपनी इनकम का साधन करूँगी। उसके लिए मैंने मशीन मंगवाई और मेरे पास में मनगमा पे 1-2 किलोमीटर की दूरी पे सर था, वहाँ पर जाके मैंने सिलाई सीखा और कुछ दिनों तक मैंने सिलाई का काम किया। पर अब गाँव था, वहाँ पे सिलाई ज़्यादा चलती नहीं थी, ज़्यादा इनकम आती नहीं थी। मैंने 12th तो किया ही था, मैंने सोचा कोई और रास्ता ढूंढती हूँ इनकम करने का। अब देखिए हस्बैंड तो कुछ कर नहीं रहे थे, तो मैं खुद आगे निकली। मैंने सोचा कि अब मैं खुद करूँगी। इस पे भी मैं खुद करना चाहती थी, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, खुद मैं चाहती थी कि मैं घर का इनकम में सपोर्ट करूँ। अगर यहाँ से नहीं हो पा रही तो मैं किसी तरह अपनी इनकम बढ़ाऊँ और सपोर्ट करूँ। पर इस पर भी उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करती रही, किसी तरह इसी तरह मारपीट सहती रही और मारपीट सहती रही। और कैसे कैसे करके मैंने क्या किया कि एक स्कूल में ज्वाइन किया, प्राइवेट स्कूल थी, वहाँ मैं पढ़ाने लगी। वहाँ पे ज़्यादा पेमेंट नहीं थी, आज से 15 साल पहले की बात है, खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं होता था, महंगाई इतनी नहीं थी। उस समय के हिसाब से वहाँ की पेमेंट थी 250-300 रुपये से मैंने काम शुरू किया। मैं स्कूल पढ़ाने जा रही थी, वहाँ जाती मैंने अच्छा यानी कि मेरा काम अच्छा चल रहा था, पेमेंट भी मिल जाती थी टाइम पे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कर लेती हूँ। पर मेरे हस्बैंड से वो भी नहीं देखा गया और वहाँ भी जाके झगड़ा करने लगे। इस तरह कर करके ना परेशान हो गई थी मैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब तो मुश्किल हो रहा था कि मैं कैसे उनके साथ रहूं। इस तरह मैंने कितने 5-6 साल किसी तरह गुजारे, बहुत मेहनत, बहुत यानी मुश्किल के दिन थे मेरे। उस समय मैंने किसी तरह यानी कि अपनी लाइफ में वो दिन गुजारे। उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे अब हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। मैंने बिल्कुल प्रण कर लिया, ठान लिया कि अब मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत हो गया मेरे साथ, पर अब मैं नहीं करूँगी। ना तो मैं काम कर पा रही, ना घर पे रह पा रही, ना कोई इनकम है, ना तो इंसान अच्छा है। तो अब मैं बताओ ऐसे हालत में कैसे रह सकती थी। उस पल मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इनके साथ नहीं रहना। और मैं ना पूरी तरह से ये सोच के चली गई अपने मायके कि अब मैं दोबारा वापस ससुराल लौट के नहीं आऊँगी। मेरे 2 बच्चे भी हो चुके थे। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं ससुराल का इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी और मैं मेरे मायके चली गई। जब मैं मायके चली गई 1 महीने तक मैं वहाँ रही। उसके बाद मेरे हस्बैंड फिर मायके जाते, मनाते कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, अब ऐसा नहीं करेंगे। पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं करेंगे। मैंने तो बिल्कुल सोच ही लिया था कि अब नहीं रहना इनके साथ। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरी ननद थी, मेरी ननद की एक जेठानी थी, वो पीतमपुर में काम करती थी। मुझे किसी तरह से उन्होंने बताया कि पीतमपुर में क्या होता है कि यानी कि अगर बाहर जाओ तो पैसे कमाने के अच्छा जरिया होते हैं। तो मुझे ये सुन रखा था मैंने। मैंने बोला इनके साथ तो नहीं रहूँगी, पर मैं इनकम के लिए कहीं और चली जाऊँगी। तो मैंने फैसला कर लिया पीतमपुर आने का। 7 साल में वहाँ इतना सब सहने के बाद फिर मैंने फैसला किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उसके बाद मुझे समझ में आया यानी कि मुझे बताया गया कि पीतमपुर में इनकम के साधन है। मैं ये नहीं जानती थी कि पीतमपुर शहर कैसा है, यहाँ क्या है, मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। उसके बावजूद भी उस पल मेरा दिमाग पता नहीं क्या था, कैसे मेरी सोच थी और मैं ना बिल्कुल मैंने सोच लिया कि अब जाना है। फिर मेरी मम्मी ने समझाया कि अकेले जाने से बेहतर है कि अपने हस्बैंड को साथ लेके जाओ। मैंने बोला मैं नहीं रहूँगी इनके साथ, मुझे मारते हैं, कमाई कुछ है नहीं है और मैं कुछ करती हूँ तो मुझे करने नहीं देते। फिर भी मेरी मम्मी ने समझाया नहीं लेके जा, तो आप सुधर जाएंगे। ये भी बोले कि हाँ मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। चलो ठीक है, मैंने सोचा चलो एक मौका और दे देते हैं। ऐसा सोचते हुए ना मैं वहाँ से पीतमपुर आ गई मेरे हस्बैंड के साथ में। अब मेरे बच्चे छोटे थे,
मैंने बच्चों को अपनी मम्मी के पास ही छोड़ दिया। यानी कि पता नहीं मेरे अंदर क्या था कि कुछ कुछ अलग करने की चाहत थी, कुछ अलग पाने की चाहत। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और अपने बच्चों को अपनी मम्मी के पास छोड़ दिया और मैं इनकम करने के लिए पीतमपुर आ गई। अब पीतमपुर में क्या हुआ ये कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और हमें कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से हमें पता चलता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है और आपको कैसा लग रहा है। इसलिए आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपकी जो भी भावना हो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ इसके आगे की कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।